Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, आज के दिन में हम लोग जो डील करने वाले हैं वो एक नए टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं. The topic's name is AC circuits. Okay. अब ये जो AC circuits होता है, AC circuits. AC stands for alternating current. So, इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरह से alternating current के बारे में सीखने वाले हैं. Okay. So, अभी तक आप लोग ने जो सीखा है वो डायरेक्ट करंट के बारे में आप लोग ने डेफिनेटली सीखा है, जहां पर करंट का वैल्यू चेंज नहीं होती है, करंट का पोलैरिटी चेंज नहीं होती है. सो व्हाट इज डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट इज अ सैंपल ऑफ करंट इन विच द वैल्यू डज नॉट चेंज एंड द पोलैरिटी मेनली डज नॉट चेंज. पोलैरिटी का मतलब आप जानते हो कि मतलब बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव अगर उल्टा कनेक्ट किया, सो फॉर एग्जाम्पल बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो होती है. पोलैरिटी उल्टा कर देंगे तो करंट उल्टा फ्लो होती है. सो डायरेक्ट करंट में एक ही डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है. ऑल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस ये होता है कि पहले ऐसे फ्लो होता है, फिर रिटर्न फ्लो होता है, फिर ऐसे फ्लो होता है, फिर रिटर्न फ्लो होता है, फिर ऐसे फ्लो होता है, फिर रिटर्न फ्लो होता है. आप बोलोगे सर ये जनरेट कैसे होता है? मैं आपको बताता हूँ. सी माय डियर चिल्ड्रन, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये एसी करंट के वीडियोज देखने के पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेरा जो प्लेलिस्ट है अगर आप वहां पर देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एसी करंट कैसे फॉर्म होता है. सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए. आप देख लीजिए एसी जनरेटर का जो टॉपिक है वो आप देख लीजिए, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कॉइल के घूमने की वजह से जो करंट जनरेट होती है वो करंट आगे पीछे पोलैरिटी आगे पीछे वाला पोलैरिटी जनरेट होता है. ये करंट क्यों जनरेट होता है? क्योंकि कॉइल के घुमाने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है, मतलब एसी जनरेटर के अंदर कॉइल को घुमाने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन आप लोगों ने सीखा है. In the AC generator, which we have learned in the topic of electromagnetic induction, we have learned that the EMF generated from the AC generator is nothing but E naught साइन ओमेगा टी. ई एम एफ को हम लोग स्मॉल लेटर से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि वो वेरिएबल है. सो ई एम एफ हो, करंट हो, रेजिस्टेंस हो, जब कॉन्स्टेंट है तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल आर. लेकिन अगर वेरिएबल रहेंगे तो स्मॉल ई, स्मॉल आई एंड स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करेंगे. आई होप दिस मच इज क्लियर. सो यहां पर हमें पता है कि भाई इतना ई एम एफ जनरेट होता है एसी जनरेटर की वजह से. सो एसी करंट क्या होता है? ये ईएमएफ के वजह से जो एक्स्ट्रा करंट जनरेट होती है वो करंट को हम लोग एसी करंट बोल सकते हैं. क्योंकि अब ये ईएमएफ है, फ्रॉम ओम्स लॉ हम तो इजीली बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ ईएमएफ जो होती है दैट इज वोल्टेज जो होती है वो कुछ नहीं बल्कि करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस होता है कि नहीं. सो ये कॉन्सेप्ट में से हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि देयरफॉर अगर ईएमएफ ऐसा वेरिएबल रहेगा देयरफॉर करंट भी वेरिएबल रहेगा. सो ईएमएफ में ई नॉट बेसिकली क्या होता था? ई नॉट होता था पीक वैल्यू, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया है. सो ई नॉट इज द पीक वैल्यू, इसको बुलाते हैं पीक ईएमएफ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ. ओके. सो करंट का भी एक्सप्रेशन ऐसे ही होता है, करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. लेकिन हाँ, जरूरी नहीं होता है कि मतलब सर्किट टू सर्किट डिपेंड करता है कि वो सिर्फ आई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा या ओमेगा टी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंगल ऐड होने वाले हैं. सो अगर कोई एक्स्ट्रा एंगल ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पर तो उसको मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूँ. एंड आई विल बी कॉलिंग दिस पर्टिकुलर एंगल एज फेज एंगल. सो बेसिकली मैं इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि EMF जब वेरिएबल होता है E नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म्स में से, तो उसका रेस्पेक्टिव करंट भी वेरिएबल होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा. लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स आई एम यूजिंग इन द सर्किट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये साइन ओमेगा टी अकेला होगा या उसको चेंज करने वाले, उसको बढ़ाने वाले हैं या कम करने वाले हैं. अब इसके बारे में इन डिटेल मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टाइप के सर्किट के अंदर कैसे कैसे वैल्यू ऑफ अल्फा आ सकते हैं. सो जो भी एंगल से हम यहाँ पर वेरिएशन क्रिएट करेंगे दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज फेज एंगल. ओके. सो इतना समझ लीजिए, करंट होता है, करंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है एंड उसमें एंगल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना आप समझ लीजिए. ओके. सो पहले एक आप एक काम कीजिए, इतना सा जो है कॉन्सेप्ट ये जो है जस्ट आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू. मैं जो भी यहाँ पर बोल रहा हूँ हर एक चीज़ों को इन डिटेल वैसे भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ. सो प्लीज माई डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑन इट. अब माय डियर चिल्ड्रन, ये जो करंट का एक्सप्रेशन है, ईएमएफ का एक्सप्रेशन है, इनको इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपका करंट का एक्सप्रेशन या फिर चलो ईएमएफ का एक्सप्रेशन जो है, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी, ये आपका एक्सप्रेशन है. ओके, सो बेसिकली ये पहले ऐसे था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा रहा होगा, थीटा को फिर बाद में ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी डाला होगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज नथिंग बट टाइम. ये हम लोगों ने इसके पहले काफी सारे चैप्टर्स में देखा है, जैसे कि ऑसिलेशन चैप्टर में देखा है, उसके बाद वेव्स मोशन के चैप्टर में देखा है, एंड उसके बाद हम लोग ने ईएमआई के चैप्टर में देखा है. ये सारे टर्म्स में हम लोग ने ऑलरेडी सीखा. ये स्टार्ट हुआ था हमारे सर्कुलर मोशन चैप्टर से. सर्कुलर मोशन चैप्टर में हम लोग ने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब यहां पर इस चीज को अगर ग्राफिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो हम कुछ इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेट मी से ये एक्सिस टाइम एक्सिस है एंड ये जो एक्सिस है ये ईएमएफ का एक्सिस है. अब टाइम मान लीजिए, टाइम अगर जीरो है, टाइम अगर जीरो डाल देंगे तो साइन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहां पर जीरो आ जाएगा. टाइम का वैल्यू मान लीजिए, या फिर ओमेगा टी बोल देता हूं मैं इसको. ओके, अब ओमेगा टी का वैल्यू अगर मान लीजिए, ओमेगा टी का वैल्यू है पाई बाय टू. ओमेगा टी का वैल्यू अगर पाई बाय टू है, पाई बाय टू पे क्या होता है, ये मैक्सिमम पे होती है. दैट मींस जो है मेरा कर्व सबसे ऊपर पहुंच जाएगा एंड मैक्सिमम जो भी मेरा वैल्यू रहेगा, साइन पाई बाय टू इज व्हाट, वन. एंड ये साइन पाई बाय टू वन जो हो जाएगा, ईएमएफ का एक्सप्रेशन बन जाएगा ई नॉट. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज नथिंग बट ई नॉट, इसीलिए हम लोग इसको बुलाते हैं पीक ईएमएफ. इसको बुलाते हैं पीक ईएमएफ. ओके, ठीक है. अब मान लीजिए ये जो ओमेगा टी का वैल्यू है, इसको हम लोग ने 180 कर दिया, दैट इज पाई कर दिया. साइन 180 या फिर साइन पाई इज हाउ मच, जीरो. तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, कर्व वापस नीचे की तरफ आ जाएगा. इसको अगर हम लोग ने 270 कर दिया, दैट इज 3 पाई बाय 2 कर दिया. तो क्या हो जाएगा, ये साइन का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ईएमएफ का वैल्यू माइनस ई नॉट की तरफ आ जाएगा. दैट मींस जो कर्व है ना वो नीचे की तरफ उतर जाएगा लाइक दिस, दिस विल बी माइनस ई नॉट. सिमिलरली ये साइन का वैल्यू यहां पर अगर मैंने 2 पाई डाल दिया, इधर 2 पाई डाल दिया तो वापस जीरो मिल जाएगा, वापस कर्व ऐसे आ जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द कर्व जो हमें बताती है कि टाइम के आगे बढ़ने से, टाइम के साथ ओमेगा को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फैक्टर है, वो फैक्टर जितना आगे बढ़ेगा वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, टाइम हमेशा वेरिएबल होता है. टाइम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, दैट मींस ईएमएफ का वैल्यू पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, फिर बाद में ऊपर जाएगा, फिर वापस जीरो पे आएगा, फिर उल्टे डायरेक्शन पे जाएगा. माइनस स्टैंड्स फॉर उल्टे डायरेक्शन पे जाना, उल्टे डायरेक्शन पे आएगा, वापस जीरो पे आ जाएगा, वापस उल्टे डायरेक्शन पे चला जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, वापस उल्टे डायरेक्शन पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, द ईएमएफ इज नथिंग बट वेरिंग. अब यहां पर ये ओमेगा टी जो टर्म है इसको बोलते हैं फेज एंगल, एंड इस पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, तब जाके हम लोग एक्स्ट्रा एक बाहर से एक फेज एंगल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नथिंग बट अल्फा. ओके, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने अल्फा बोल के टर्म एक बताया था, वो यहां पर इसके साथ कुछ एडिशन अगर करना होगा तब जाके हम लोग उसको यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ईएमएफ. यही सेम चीज अगर करंट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो सेम स्टोरी होता है कि भाई करंट भी ऐसे ही सेम स्टोरी से ही फॉलो होता है कि जीरो से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा, जीरो पे आएगा, नीचे आएगा, जीरो पे आएगा, ऐसा चलता रहता. ओके, बेसिकली फ्लक्चुएशन कुछ ऐसे ही होगा. अब मेरा सवाल ये है, इन शॉर्ट EMF का जो है ना कभी भी एक सिंगल वैल्यू नहीं होता, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता. एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ EMF इज चेंजिंग. यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ EMF क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अब मेरा सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है, व्हाट इज द टोटल हीट, ओके, टोटल हीट जनरेटेड द कॉइल बिकॉज ऑफ दिस EMF. अब EMF का एक्सप्रेशन तो आप जानते हो, इट इज V²T/R, वो हीट का एक्सप्रेशन होता है. तो ईएमएफ के जगह पे मैं E²T/R डालूंगा. सवाल ये है कि E के जगह पे क्या वैल्यू डालूं मैं. सी, E तो हर टाइम चेंज हो रही है, तो हर टाइम चेंज हो रही है तो उसमें से मैं इंस्टेंटेनियस हीट तो निकाल सकता हूं, तो कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कितना हीट होता है ये तो मैं निकाल सकता हूं. लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई पूरा का पूरा साइकिल होने के बाद कितना हीट डेवलप होता है, ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है वो तो कॉन्स्टेंट है ही नहीं, वो तो वेरिएबल होता है. तो ऐसे सिचुएशन पे आई नीड टू हैव अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू कंसिडर करने की जरूरत पड़ती है. कॉन्स्टेंट वैल्यू कंसिडर करने के बारे में सोचेंगे तो आप बोलेंगे, सर जी बहुत सिंपल आइडिया है, हम एक काम करेंगे इसका एवरेज निकाल देंगे, बात खत्म. अब बेटा एवरेज निकालेंगे तो प्रॉब्लम पता है क्या होता, ऊपर की तरफ जितना वैल्यूज है, दैट इज पॉजिटिव, जितने भी वैल्यूज होंगे उतने ही नेगेटिव वैल्यूज है इसके पास. तो एवरेज करना मतलब आप तो जानते हैं कि बहुत सारे सैंपल्स निकालो, उसको ऐड करो, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स कर दो, आपको एवरेज मिल जाएगा. बट प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाले सैंपल्स को पॉजिटिव साइन से डिनोट करना पड़ेगा, नीचे वाले सैंपल्स को नेगेटिव साइन से डिनोट करना पड़ेगा, बाद में इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा सा एक जीरो आ जाएगा. सो एवरेज या फिर मीन वैल्यू इसका जो निकालने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी व्हाट, जीरो. व्हाई, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी से, जैसे ईएमएफ है वैसे ही, चलो ठीक है, ईएमएफ का हो या करंट का हो, ठीक है, ऐसे ही करंट का भी तो एक्सप्रेशन होता है. लेट मी से करंट का जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा भी है, मैं हाल फिलहाल के लिए ओमेगा टी वाला सिचुएशन ले लेता हूँ. ओके, अल्फा भी है, अल्फा होता है. ओके, आपको चाहिए तो डाल सकते हो. अभी हाल फिलहाल हम लोग अल्फा पे फोकस नहीं कर रहे, मैं अल्फा के बारे में आपको इन डिटेल बाद में सिखाने वाला हूँ. हाल फिलहाल के लिए हम लोग बाकी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं कि आई का वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट होगा. सो आई का भी वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट होगा, ऐसे ही फ्लक्चुएट होगा जैसे मैंने आपके सामने ऊपर दिखाया है, सेम टू सेम, दिस इज आई. ओके, प्रॉब्लम यह है कि भाई इसका एक कांस्टेंट वैल्यू निकालना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा कि पूरे साइकिल में ऑन एन एवरेज कितना होता होगा. इवन तो हमें पता है कि पॉजिटिव सेगमेंट्स जितना भी लेंगे, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव सेगमेंट है, ये एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस माइनस आपस में कैंसिल होकर आंसर जीरो आ जाएगा. सो एवरेज निकालना इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन. नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग एवरेज, वॉट शुड वी डू? अब एवरेज में क्या फैक्टर जीरो लेके आ रही है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आई वन है, आई टू है, आई थ्री है, आई फोर है, ऐसे चार सैंपल्स लिया, अपॉन फोर कर दिया. ये एवरेज जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों के पास एक नेगेटिव साइन है, इसलिए जीरो आ रहा है. दैट इज माइनस आई थ्री माइनस आई फोर की वजह से जीरो आ रही है. अगर मैंने ये नेगेटिव साइन को उनके अंदर ही मार डाल दिया, मतलब घुमा दिए, तो क्या होगा? आंसर जीरो नहीं आएगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं काम करता हूँ, सबको इंडिविजुअली स्क्वायर कर देता हूँ. सबको इंडिविजुअली स्क्वायर कर दिया तो मैटर बन सकता है, क्योंकि इंडिविजुअली स्क्वायर कर दिया तो ये माइनस जो होती है वो प्लस हो जाएगा. बट यहाँ पर दूसरा ही प्रॉब्लम अराइज होता है, यार या सबको अगर तुमने इंडिविजुअली स्क्वायर कर दिया तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा. प्रीवियसली इसका डायमेंशन या फिर इसका यूनिट जो है वो एम्पियर था, अभी तुम सबको स्क्वायर करेंगे तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन. तो डायमेंशन को यूनिफॉर्मिटी में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल एक स्क्वायर रूट भी डाल देंगे. दैट इज यहाँ पर एक स्क्वायर रूट भी डाल देंगे. फिर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरों के साथ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर यूनिट या फिर डायमेंशन जो है वो उसका कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगा. सो और ये जो वैल्यू है ना, ये भी हमारा काम कर देगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव को हम लोग ने उड़ा भी दिया, एट द सेम टाइम डायमेंशन को वापस लेके भी आ गया. सो डायमेंशन को लेके आ गया, नेगेटिव को भी उड़ा दिया. सो ये जो प्रोसीजर आपके सामने मैंने किया है यहाँ पर, इस प्रोसीजर को हम लोग बुलाते हैं, सबसे ऊपर कौन है, स्क्वायर रूट है, उसके नीचे कौन है भाई, एवरेज है. एवरेज के अंदर एक एक सैंपल्स के ऊपर क्या क्या किया मैंने, स्क्वायर किया है. तो स्क्वायर रूट, एवरेज, स्क्वायर. एवरेज का दूसरा वर्ड होता है मीन, स्क्वायर रूट का दूसरा वर्ड होता है रूट. तो मैं इसको बुलाऊंगा रूट, रूट के अंदर मीन, मीन के अंदर एक एक सैंपल्स के ऊपर स्क्वायर. तो इस कंपोनेंट को मैं बुलाऊंगा दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज by eliminating the negative sign in the sample is called as root mean square sample, जो भी रहेगा. ओके, सैंपल अभी किसका है, ठीक है, मैं इसको हाल फिलहाल के लिए सैंपल लिख लेता हूं. रूट मीन स्क्वायर सैंपल, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे बुलाएंगे RMS. RMS, root mean square sample. So, यहाँ पर अगर तुम करंट के केस में ऐसा कर रहे हो तो दिस विल बी कॉल्ड एज करंट का RMS, IRMS हम लोग इसको बुलाएंगे. EMF के लिए करोगे तो ERMS बुलाएंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ. ये स्क्वायर रूट को अगर इस तरफ लेके आऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ, देयरफोर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, IRMS square can be written as I1 square प्लस आई टू स्क्वायर डॉट 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 जितने भी सैंपल्स रहेंगे आई एन स्क्वायर अपॉन एन. ऐसे हम लोग कर सकते हैं. ओके, सी नंबर ऑफ सैंपल्स को ऐड करके, ऑब्वियसली स्क्वायर करके, उसको ऐड करके, उस मतलब उसका एवरेज निकाल के आंसर हमें आई आर में स्क्वायर मिल सकता है. ओके, अब ठीक है भाई, हमारे पास अगर नंबर ऑफ सैंपल्स फिक्स रहेंगे तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं. बट पता है यहाँ पर दूसरा एक प्रॉब्लम है.
दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा कर्व स्मूथ कर्व जाता है ना, तो इसके अंदर कितने सैंपल्स होते हैं ये काउंट करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज देर आर सो मेनी स्मॉल 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 बहुत सारे इतने 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 छोटे 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 सैंपल्स हैं कि भाई वो काउंट करना भी इम्पॉसिबल होता है यार, उसको स्क्वायर करना ऐड करना तो दूर की बात होती है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये चीज़ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, अगर तीन चार सैंपल्स अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया रहेगा ना तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज ये दिस थिंग कैन नॉट बी डन। Then how will we crack this problem? How can we find the RMS value of any current or any EMF when we know its particular any random value? अगर हमें पता रहेगा तो हम कैसे उसको crack करेंगे? ये चीज़ पता करना बहुत important है। So अभी मैं आगे आपको वही सिखाने वाला हूँ कि इस चीज़ को कैसे crack किया जाएगा। अब हम लोग IRMS का value कैसे निकालने वाले हैं, ERMS का value कैसे निकालने वाले हैं। But before that, I would like you guys to please make a note on this. Pause the video and make a note on this, please. सो आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो बेसिकली यहाँ पर मैं IRMS निकालने का एक तरीका डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। अभी आप तो जानते हो कि IRMS को अगर स्क्वायर करेंगे और सैम्पल्स को अगर स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो बेसिकली सेम ही होता है। सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है कि भाई सैम्पल्स को ऐड करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एडिशन का कॉन्सेप्ट तो यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। अब एडिशन नहीं यूज़ करेंगे तो फिर क्या यूज़ करेंगे? दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। जब भी आप लोग एडिशन नहीं कर पाते हो तो आप एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन करने की कोशिश कीजिए। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने यहां पर आपके तरफ से डाल दिया इंटीग्रेशन और यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डाल दिया यहां पर। अगर आप LHS में RHS में डालेंगे इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ठीक है भाई, अब यहां पर भी डाल दीजिए इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डाल दीजिए। अब IRMS is supposed to be a constant value जो पूरे cycle का average value होना चाहिए। So ये constant होने की वजह से ये तो बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? So I square RMS multiplied by integration of dt। Integration कहाँ से कहाँ तक? चलो पूरा cycle ही ले लेते हैं, zero से लेकर अभी see ये ओमेगा टी अगर 2 पाई है, कहाँ से लेकर जीरो से लेकर कहाँ तक लेके जाना? 2 पाई। किस चीज़ का 2 पाई? ओमेगा टी का 2 पाई। सो ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू अगर 2 पाई रहेगा तो टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। सो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक लेके जाना? 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर भी 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ पर भी 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा। So, लेकिन हाँ, यहाँ पर तुम इंटीग्रेशन ऐसे आई को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो आई है ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसका। लेट मी कंसिडर इन दिस केस आई का वैल्यू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी विथ एन इंटीग्रेशन। मैं अभी हर जगह लिमिट सबसे ऊपर मैं लिमिट लिखा हूँ, अभी बाकी हर जगह लिमिट नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज यू नो कि वो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, फिर आप लोगों को कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं इस चीज़ को हाल फिलहाल विदाउट लिमिट लिख रहा हूँ। आप लोग लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं इन ऑर्डर टू अवॉइड द खिचड़ी पार्ट। ओके, एनीवे, सो बेसिकली दिस आई नॉट इज द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो एक काम करता हूं मैं, ये इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देता हूं हमारे पीक वैल्यू को, फिर अंदर कौन बचेगा? साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये तो स्क्वायर है ना भाई, तो अंदर स्क्वायर के साथ बचेगा, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो साइन स्क्वायर अंदर बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, चलो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज हाउ मच? टी। तो आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी, लिमिट्स कहां से कहां तक? 2 पाई अपॉन ओमेगा से लेकर 0 तक। दूसरे साइड में क्या बचेगा हमारे पास? आई नॉट स्क्वायर तो बाहर है ही, साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ने इंटीग्रेशन में एक सिंपल सा टेक्निक सीखा है भाई, साइन स्क्वायर को फॉर्मूले मेथड के हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए। I can rewrite the sine square as 1 minus cos 2 theta. Theta के जगह पे यहाँ पर omega t डालूँगा upon 2. एक काम करता हूँ, ये upon 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ. Multiplied by dt. वरना integration के बीच में खाली फोकट वो एक disturbance जैसे बैठ जाएगा. इसी वजह से मैंने upon 2 को बाहर निकाल दिया. अब चलो यहाँ पर upper limit डाल देता है 2 pi upon omega, lower limit 0. 2 pi upon omega minus 0 is 2 pi upon omega. That means IRMS का square जो है, that will be उसके मल्टीप्लिकेशन में जो रहेगा फैक्टर, दैट विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा, वो तो फिक्स रहेगा। अब दूसरे साइड में क्या-क्या बचा है? यहां पर चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब ये t के हिसाब से इंटीग्रेशन होने वाली है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस cos 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन बन जाएगा sin 2 ओमेगा t, 2 ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से डिवाइड बाय 2 ओमेगा, लिमिट्स 2 पाई बाय ओमेगा, लोअर लिमिट इज 0।
अब चलो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। LHS में क्या है हमारे पास, ठीक है, LHS में हाल फिलहाल जो भी वैसे के वैसे रखता हूँ मैं, यहाँ पर I नॉट स्क्वायर अपॉन टू लिमिट डाल रहा हूँ मैं, दिस विल बी टू पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन टू पाई अपॉन ओमेगा, साइन टू ओमेगा ऑलरेडी है, टी के जगह पे टू पाई अपॉन ओमेगा डालना है आपको, टी के जगह पे टू पाई अपॉन ओमेगा डाल दीजिए, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ऑफ फोर पाई, साइन ऑफ पाई इज जीरो, देयरफॉर साइन ऑफ टू पाई इज ऑल्सो जीरो, साइन ऑफ थ्री पाई विल ऑल्सो बी जीरो, साइन ऑफ फोर पाई विल ऑल्सो बी जीरो, देयरफॉर साइन ऑफ फोर पाई इज गोइंग टू बी जीरो। अपर लिमिट डालने के बाद माइनस, अब लोअर लिमिट डालते हैं, टी के जगह पे जीरो, साइन जीरो इज जीरो, हो गया पूरा का पूरा छुट्टी। अब LHS में क्या है भाई, आई आर एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टू पाई अपॉन ओमेगा, RHS में क्या है भाई, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय टू पाई अपॉन ओमेगा, टू पाई अपॉन ओमेगा, टू पाई अपॉन ओमेगा दोनों कैंसिल, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा भाई, RMS का वैल्यू, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू I नॉट स्क्वायर रूट निकालने के बाद डिनोमिनेटर में बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ टू, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.7071 मल्टीप्लाइड बाय I नॉट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट। ये होगा डेरिवेशन फॉर फाइंडिंग द RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो दिस डेरिवेशन इज फॉर वॉट, टू फाइंड RMS वैल्यू। ओके, RMS वैल्यू करंट के लिए अगर ऐसा निकालेंगे तो सेम स्टोरी, सेम टू सेम स्टोरी में EMF के लिए भी रिपीट करूंगा, सेम टू सेम डेरिवेशन में EMF के लिए भी रिपीट करूंगा। दैट मींस अगर आप देखेंगे तो EMF और करंट दोनों में सेम डेरिवेशंस रिपीट होंगे, सेम टर्मिनोलॉजीज रहेंगे, सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसी वजह से हमारा फाइनल आंसर भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा। ERMS विल बी इक्वल टू E नॉट अपॉन रूट टू, या फिर 0.7071 मल्टीप्लाइड बाय E नॉट, दिस विल बी द RMS वैल्यू फॉर EMF। So, यहां पर हम लोग ने क्या फाइंड किया, सी करंट अगर वेरिएबल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल वेरिएबल मतलब इंस्टेंटेनियस है, मतलब हर एक टाइम पे उसका वैल्यू चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम वेरी होती है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है आप तो जानते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा, एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा। ये अल्फा किधर भी आ सकती है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आई पे है। हम लोग ने प्रीवियसली ई को बेस बना के ई के बेसिस पे कंपेयर किया था आई को, तो इसलिए ई के ई से कंपैरिजन में आई का वैल्यू प्लस और माइनस अल्फा हो सकती है। अगर आई को बेस बनाएंगे और ई को कंपेयर करेंगे तो आई का वैल्यू विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ई का वैल्यू मे बी आई नॉट साइन ओमेगा टी सॉरी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा एज कंपेयर टू आई। सो दैट डिपेंड्स कि किसके हिसाब से कौन बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो बंदे खड़े हैं, एक लंबा एक ऊंचा है, अभी मैं किसको एड्रेस करूंगा उसके ऊपर डिपेंड कर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं लंबा करके वर्ड यूज करूंगा या बुटका करके वर्ड यूज करूंगा। ओके, सो आई कैन से दैट तुम इनसे लंबे हो, ऐसे बोल सकता हूँ। एट द सेम टाइम मैं इनको बोलूंगा तो तुम इनसे छोटे हो, ऐसे बोलूंगा। सो छोटा लंबा, ये वर्ड्स मैंने किस बेसिस पे इस्तेमाल किया, मैं किसके बेसिस पे किसको एड्रेस कर रहा हूँ उसके बेसिस पे मैंने वो वर्ड्स को चेंज कर दिया था। सिमिलरली सो दिस इज ये जो RMS वैल्यू है, ये RMS वैल्यू बताएगा कि इफेक्टिव वैल्यू, दैट इज अभी आई का वैल्यू इतना चेंज हो रहा है, चेंज होने के बाद इफेक्टिवनेस में कितना वैल्यू होता है, वो वैल्यू ये वैल्यू मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट। इसको बोलते हैं RMS वैल्यू या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस। सो आई बिलीव माई डियर चिल्ड्रन ये लेक्चर काफी फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और थोड़ा कंटेंट के साथ वापस आऊंगा आप लोगों के सामने। दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक केयर, बाय बाय।